चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले वैक्सीनेशन और वैक्सीन्स के बारे में। तो वैक्सीन्स क्या होता है, वैक्सीन्स को कैसे बनाया जाता है और वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे दोनों तरीके के वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वैक्सीन क्या चीज है, राइट? तो नॉर्मली वैक्सीन किस लिए जरूरत होता है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी इन्फेक्टिव एजेंट को फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर डाला जाता है, ताकि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाए। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है बॉडी का? जैसे बॉडी का डिफरेंट सिस्टम्स होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, राइट? जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिनसे हम सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जिससे ब्लड बॉडी में फैलता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है? वैसा ही एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का रोल है ये, इम्यून सिस्टम बॉडी में आता हुआ कोई भी जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी फॉरेन पैथोजन हो, पार्टिकल हो, जो खराब कोई चीज हो बाहर का जो हमको बीमार करता है, उससे फाइट करता है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है उन लोगों का, वो स्टार्ट कर देता है। मगर वो डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो उतना फास्ट स्टार्ट, मतलब वो स्टार्ट होता है मगर उसका जो इफेक्ट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है कि हर वक्त बैक्टीरिया और वायरस को मार सके, ठीक है? तो कभी क्या होता है, लोग वायरस और बैक्टीरिया के साथ फाइट करते करते इम्यून सिस्टम जिन लोगों का अच्छा नहीं होता है वो मर भी जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम वैक्सीन्स का डेवलप करते हैं। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है? कोई भी एक सब्सटेंस जो ज्यादातर सिचुएशन पर बनाया जाता है कुछ पैथोजिन के कुछ पार्ट लेकर, मतलब पैथोजिन वायरस हो सकता है, पैथोजिन बैक्टीरिया भी हो सकता है। सो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैथोजिन का बॉडी का कोई एक पार्ट, कोई एक टुकड़ा लेकर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली हमारे शरीर में। तो जब हम बैक्टीरिया वायरस के बॉडी का कोई पोर्शन हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तब क्या होता है, बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उसको फाइट करने लगता है। तो फाइट करते करते वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी ये वायरस और बैक्टीरिया, इसका कोई भी एक पार्ट हमारा बॉडी के अंदर आता है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट। इनेट इम्यूनिटी मतलब पहले से जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में एक्टिव है वो रहता ही है, वो इसको मारने की कोशिश करता है। और पहले क्या होता है, मारने की कोशिश में ये कामयाब ज्यादातर नहीं होता है। तो ये इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट करता है और एक इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है एडप्टिव इम्यूनिटी को, ठीक है? तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जब एक्टिवेट हो जाता है, तब इस अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के बाद हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है। और ये एंटीबॉडी जो प्रोटीन है ये वेरी स्पेसिफिक होता है, मतलब ये जो एंटीबॉडी है ये पर्टिकुलरली वही वायरस और वही बैक्टीरिया के शरीर के अंदर जाके बाइंड करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? तो ये काम होता है एंटीबॉडी, मतलब ये ढूंढ ढूंढ कर उस बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है, और ये जो मारता है इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो इसे कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी हो बिल्डअप हो जाता है। तो इम्यूनिटी के साथ हम क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी उस वायरस और बैक्टीरिया को हरा देता है, तो हम फिर से जो है हेल्दी हो जाते हैं, मतलब डिजीज से बाहर आ जाता है, बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो यह है वैक्सीनेशन का रूल। तो मतलब वैक्सीनेशन के लिए हमारे शरीर के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया जिसके खिलाफ हम वैक्सीनेशन बनाना चाहते हैं उनका, उस वायरस और बैक्टीरिया का कोई एक पोर्शन शरीर के अंदर जो है इंसर्ट करना है, डालना होता है, ठीक है? तो नॉर्मली बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार करता है। अब आप पूछोगे एक बात कि अगर वायरस बैक्टीरिया जो हमको बीमार कर रहा है, नॉर्मली जो अंदर जाने के बाद हमको बीमार करता है, हम यहां पर डिलीबरेटली, मतलब हम जानबूझकर वही वायरस और बैक्टीरिया को शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो ये कैसा हुआ भाई? तो आंसर ये है कि यहां पर जब वैक्सीनेशन हम करते हैं और वैक्सीन की बात करते हैं, जब हम बाहर से खुद
आर्टिफिशियली ये वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर डालते हैं, तब हम वायरस और बैक्टीरिया को उसी फॉर्म में नहीं डालते हैं जिसी फॉर्म में ये नॉर्मली हमें अटैक करता है, हम इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। पहले इसका जो बीमारी पैदा करने वाली क्षमता है उसको हम दूर कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, उसके बाद ये वायरस और बैक्टीरिया को हम शरीर के अंदर डालते हैं। ये हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है कि वायरस का पूरा वायरस या फिर पूरा बैक्टीरिया को हम शरीर के अंदर नहीं डालते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के शरीर के कुछ एक हिस्सा, कुछ एक प्रोटीन, कुछ एक मेम्ब्रेन का टुकड़ा, कुछ एक डीएनए और आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है उसका कुछ एक पोर्शन लेकर उसको भी हम शरीर के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया का जो शरीर की कॉम्पोनेंट्स है वो टोटली अलग होता है हमारे शरीर की कॉम्पोनेंट से। तो हमारे बॉडी का जो इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छे से पहचानता है कि कौन सा वायरस का टुकड़ा है, कौन सी बैक्टीरिया का टुकड़ा है, कौन सी हमारे बॉडी का टुकड़ा है। तो उसको देखने के बाद बहुत अच्छे से उसको पहचानेगा और उस हिसाब से इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। मतलब जब वैक्सीनेशन हम करते हैं हमारा एम रहता है कि जो वो बैक्टीरिया और वायरस हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो डिजीज मतलब बीमारी ना फैलाए मगर इम्यूनिटी को डेवलप करे, यही वैक्सीनेशन का मोटो है। तो नेचुरली कुछ लोग जब वायरस और बैक्टीरिया के पास एक्सपोज होते हैं तो वो इम्यून हो जाते हैं, नॉर्मली इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेचुरल इम्यूनाइजेशन। और कुछ टाइम जब हमको खुद को वैक्सीन बनाना पड़ता है और बाहर से डालना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियली बाहर से डालें तो इसको कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वो दोनों नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हो, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। मतलब हम डायरेक्टली वायरस बैक्टीरिया को शरीर के अंदर डाल रहे हैं या फिर उसके बॉडी का कोई पोर्शन को शरीर के अंदर डाल रहे हैं, राइट, जिनसे शरीर को एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करने का मौका मिल रहा है। तो नॉर्मली कितना टाइम लग सकता है इस सब होने में, डिपेंड करते हैं कौन सा वायरस और बैक्टीरिया का डिजीज है। तो नॉर्मली लग सकता है 2 हफ्ते, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 महीना लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से वायरस और बैक्टीरिया लेकर हम डील कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि जब एंटीबॉडी तैयार होता है बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सो वो जो सेल्स जिनसे इम्यून सिस्टम बना हुआ होता है, कुछ ऐसा सेल्स होता है जो इस एंटीबॉडी को सिर्फ बनाता ही नहीं है बल्कि उसको स्टोर करके रख देता है एज ए मेमोरी। दिमाग में जब हम कुछ पढ़ते हैं स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही स्टोर करके रख देता है इस एंटीबॉडी को, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी वही सेम वायरस और बैक्टीरिया हमें फिर से अटैक करे तो वो डायरेक्टली बहुत फास्ट तुरंत ये एंटीबॉडी बना पाए और उस वायरस को और बैक्टीरिया को बहुत जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। तो फ्यूचर में अगर ये फिर से हो तो बहुत जल्दी से हम उसको बहुत अच्छे से हरा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है इनेट इम्यूनिटी क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है और इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, उसके लिए आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि सीरीज में हम ऑलरेडी इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है। तो चलिए ये गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, अभी बात कर लेते हैं और एक टाइप का इम्यूनाइजेशन। ये भी हो सकता है कि देखिए किसी एक इंसान को इन्फेक्शन हुआ है एक वायरस से या फिर बैक्टीरिया से, है ना, तो उसके अंदर नेचुरली मानो कि एंटीबॉडी तैयार हो चुका है। तो जब एंटीबॉडी तैयार हो चुका है तब उस एंटीबॉडी को हम उस पर्सन से, उस इंसान के बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एनिमल के शरीर में भी वो एंटीबॉडी तैयार हो चुका है एक सेमी बीमारी के अगेंस्ट, सेम वायरस सेम बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो उस एनिमल कोई भी अलग पशु हो सकता है उसके शरीर से भी हम उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस एंटीबॉडी को फिर हम इंजेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के शरीर में। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम वायरस और बैक्टीरिया को डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस एंटीबॉडी को किसी और इंसान के शरीर से या फिर किसी और पशु के शरीर से लेकर फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर एंटीबॉडी को हम सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब हम एंटीबॉडी को इंसर्ट कर रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स है वहां पर भी रिस्पॉन्स बनता है। ये भी आप सोच सकते हो कि एंटीबॉडी अगर हम डायरेक्टली दे दे, ऐसा वायरस और बैक्टीरिया ना देने के बजाय सिर्फ एंटीबॉडी को ही दे दे तो क्यों ना, या उससे भी काम हो सकता है, उससे भी होता है, मगर उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन हो सकता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि बनता है स्नेक वेनम के लिए, जब वेनम का एक पोर्शन लिया जाता है उसको इंजेक्ट थोड़ा थोड़ा करके डोज इंजेक्ट किया जाता है घोड़े के अंदर, उसके बाद घोड़े के ब्लड प्लाज्मा को आइसोलेट करके उसका जो एंटीबॉडी बनता है वो हम लेते हैं बॉडी के अंदर ताकि वो फाइट कर सके उस वेनम के खिलाफ।
ऐसे हो सकता है कोई वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है, मगर इसमें उतना रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिलेगा जितना कि डायरेक्ट वायरस और बैक्टीरिया को इंसर्ट करने में होता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन भी काम करता है मगर उतना अच्छा नहीं जितना कि वैक्सीन काम करता है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ तभी नहीं काम करेगा जब इन्फेक्शन होता है। वैक्सीन कुछ साल बाद जब फिर से वही वायरस वही बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करेगा, वो वैक्सीन वो जो मेमोरी रहेगा एंटीबॉडी का वो फिर से काम करेगा। मतलब वैक्सीन का काम जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर दूर का काम करता है वैक्सीन। मगर पैसिव इम्यूनाइजेशन जब हम एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके उसको शरीर के अंदर डालते हैं तो वो टेम्पोररी रिलीफ करेगा, टेम्पोररीली जो वायरस और बैक्टीरिया है बॉडी में उसके साथ फाइट करेगा, और उस फाइट में कोई मेमोरी नहीं रहेगा। मतलब उस एंटीबॉडी जब तक बॉडी में है तब तक ही फाइट करेगा, एंटीबॉडी जब वायरस को निकाल देगा तब उसके बाद काम खत्म। फिर से अगर हमें वो वायरस बैक्टीरिया बाद में इन्फेक्ट करे तो फिर से हमें एंटीबॉडी लेना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। मैं यहां पर लिख देता हूं एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीन्स और पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है एंटीबॉडी को यूज करके। ठीक है, कभी कभार क्या होता है वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 साल 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करके किसी और दूसरे एनिमल के बॉडी से और उसी वायरस को इन्फेक्ट करने के बाद उसको लेकर हम काम करते हैं। तो ये टेम्पररी रिलीफ देता है मगर वैक्सीनेशन जो है वो परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकता है। तो ये डिफरेंस है वैक्सीनेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो ये बात होता है वैक्सीन। तो इसीलिए कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो उससे हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली वायरस और बैक्टीरिया को पूरा हम उसी फॉर्म में यूज करके वैक्सीन बना सकते हैं, मगर उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो बीमारी ना फैला पाए मगर वो इम्यूनिटी को इंप्रूव कर पाए। ये बात है। दूसरी बात ये हो सकता है हम उसकी बॉडी का कोई प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक प्रोटीन, वायरस का कोई स्पेसिफिक प्रोटीन लेकर उससे भी हम वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं वैक्सीन बनाने के। तो ये चलते हैं टोटल आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप वीडियो को समझ पाए तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आ जाए वैक्सीनेशन क्या चीज़ है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी 5-6 वीडियोज आने वाला है इसी सीरीज के अंदर, एक ही सीरीज के अंदर, जिसमें हम बहुत सारे इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, नमस्कार।